हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, और पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों से मोगरा प्लांट के बारे में बात करूंगी कि अगर आपके उस प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। तो उसमें से आपके प्लांट में फ्लावर होने लगेगी। वैसे तो गर्मी पड़ रही है और गर्मी में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करता है मोगरा प्लांट, यानी मतलब बेला जिसको बोलते हैं हम, राइट 12 बजे खिल जाता है फ्रेंड। और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है फ्रेंड, और बेला से भी ज़्यादा खुशबू होती है मनोकामनी का जो प्लांट होता है उसमें, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस फ्लावर में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो चलिए, मैं बात कर रही हूँ मोगरा प्लांट की, तो आप लोगों को दिखा दे रही हूँ उसमें डालना क्या है। जो मैंने डाला है मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है और फ्लावर भी हो रहे हैं मेरे प्लांट में, तो मैं आप लोगों को भी वो जानकारी दे दे रही हूँ। आप लोग भी उसमें डालिए और आनंद लीजिए अपने प्लांट के फ्लावर का, खुशबू लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि मैं छोटे छोटे से लेकर आई थी प्लांट 10 रुपए का, मतलब मेरे 10 रुपए के ही थे, 3 लेके आई थी 30 रुपए के। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जब मैं लेके आई थी एकदम छोटी छोटी इतनी सी टहनी थी उनकी जब मैं लेकर आई थी, लेकिन आज उनकी ग्रोथ हो चुकी है और वो फ्लावर भी करने लगे हैं। और ज़्यादा बड़े पॉट में भी मैंने नहीं उनको लगाया, मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ लगाया किस में है और करना क्या है, क्या डालना है तो फ्लावर आने लगेंगे। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगी, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ, पहले अपने प्लांट यहाँ पे रखे थे तो मैं आप लोगों को निकालती हूँ। पहले एक ये है, मैंने सभी प्लांटों को अपने सटा के रखा हुआ है ना, गर्मी है इसलिए मैंने सभी को सटा के रख दिया है। तो फ्रेंड, इसको भी निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। एक ये रहा, तो ये रहे मेरे मोगरा प्लांट, देख सकते हैं फ्रेंड। इनमें से मैंने बिठाया था, कुछ डेकोरेट किया था सजा के, लेकिन जब भी तूफान आया था ना तो ये सब टूट गया है मेरा। यहाँ से मैंने सजाया हुआ था इसको ऐसे, और तो ये सब टूट चुका है। ये भर दो कपल की यहाँ पे जोड़ी बैठी है जो उनको प्यार इतना कर रहे हैं, बातें इतना कर रहे हैं कि किसी से बात करने का टाइम ही नहीं है उनके पास। ये देख सकते हैं आप, इन्हें हमसे बात करने का टाइम नहीं है, अपन दोनों एकदम बिजी हैं अपना बात ही करने में। तो फ्रेंड, आप लोग देखिए मेरे मोगरा प्लांट ये हैं और कितने छोटे हैं फ्रेंड, देख सकते हैं आप इसको, आप देखिए कितना छोटा है, सिर्फ एक ही इसकी टहनी है। और आप इसके फ्लावर देख लीजिए, वर्ष देख लीजिए कितने लगे हैं, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इनमें से वर्ष लगी हैं, क्योंकि गर्मी है ना, हर एक डाली में हर एक सक्का में लगी हैं कि वर्ष नहीं लगी फ्रेंड, पूरे में लगी हैं। ये भी देखिए कितने फ्लावरिंग कर रहा है और कितने ज़्यादा गुज्जे में इसके भी फ्लावर और वर्ष लग चुकी हैं। तो गर्मियों में फ्लावरिंग तो करता है फ्रेंड, लेकिन कुछ हमें इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है, केयर भी करनी पड़ती है। अगर हम इनसे केयर नहीं करेंगे, कुछ डालेंगे नहीं खाद पानी, तो कैसे ये फ्लावरिंग करेंगे? जैसे हमारा शरीर है, हम ऐसे ही पानी पी पी के रह लेंगे तो हमारा शरीर काम नहीं करेगा, हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे फ्रेंड। इसी तरह अगर हम कुछ खाएँगे नहीं, इसी तरह हमारे प्लांट हैं, अगर हम इनको कुछ देंगे नहीं खाने जैसा एनर्जी ताकत कुछ भी नहीं देंगे, तो ये कैसे फ्लावरिंग करेंगे, कैसे हेल्दी रहेंगे, कैसे ग्रोथ करेंगे, आप ही बताइए। इनकी पत्तियां कैसे ग्रीन रहेंगी, नहीं हो पाएंगे फ्रेंड। ये धीरे धीरे करके प्लांट सूख ही जाएगा, अगर हम सिंपली मिट्टी में लगा देंगे हम और पानी भी डालते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये प्लांट हमारा धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। इसलिए हमें इनकी केयर भी करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ इनके लिए देना पड़ता है। आयरन की भी ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है फ्रेंड। तो हम हर चीज़ इनको थोड़ा थोड़ा करके देते जाए फ्रेंड। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें तो मैंने इसके साथ पानी भर के रखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैंने सुबह ही इसमें पानी डाला था और धीरे धीरे करके इनका पानी पूरा उड़ जाता है। इसमें भी डाल दिया था लेकिन इसका भी निकल गया। तो देख सकते हैं इसमें भी फ्लावरिंग कितना अच्छे से हो रही है, और देखिए कितने खूबसूरत इसमें वर्ष भी लगी हैं, हर एक डाली में लगी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगी, देख सकते हैं आप। तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं चलो आप लोगों को भी दिखा दे रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैं लाई थी बिल्कुल छोटे से, ये ग्रोथ भी नहीं कर रहे थे, और 10 रुपए में मिलता कहा है आप ही बताइए, 10 रुपए में कुछ नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने भैया ने मुझे दिया, मैंने इनको जिलाया और बड़े किया, ग्रोथ होने लगी। तो मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ डाली क्या हूँ। तो ये है मेरी चाय
चाय तो आप जानते हैं जो हम घर में बनाते हैं डेली, सभी के घर में बनती है चाय या कॉफ़ी, सभी के घर में बनती है, ऐसा नहीं है घर में नहीं बनती। तो फिर करना क्या है, अगर आप इसको जैसे हम बनाते हैं वो वाली छान के उसको धोल के सुखा के अगर उसे यूज करते हैं तो बहुत अच्छा। अगर ये ओरिजिनल है जो बनाई नहीं है और ऐसे ही है तो इसको तो हम मात्रा में ही डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो हमारा प्लांट है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। तो जो बनी वाली होती है तो उसको तो हम एक मुट्ठी भी डाल सकते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान नहीं करती। ये वाली है तो हम थोड़ी सी ही लेंगे फ्रेंड, ज़्यादा इसको नहीं डालेंगे। ये खाद का काम करती है, जैसे जिंक होती है ये खाद होती है, वैसा ये काम करती है खाद। तो हमें करना कहा है, प्लांट की चारों तरफ से करनी है गुड़ाई, गुड़ाई करने के बाद हमें इसको डालना है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ फ्रेंड, मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपके पास कोई भी प्लांट हो अगर उसमें फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आपको हिचकिचाना नहीं है, बस आपको ना ज़्यादा कुछ करना है, आपको थोड़ी सी चाय लेना है और अपने प्लांट की गुड़ाई करना है, बस उसके चारों तरफ से आपको डाल देना है। या आपका गुड़हल का प्लांट हो, गुड़हल में भी मैं यही करती हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चाय पत्ती या हल्दी का यूज करती हूँ अपने गार्डन में। हल्दी से जो होते हैं फंगीसाइड जो लग जाते हैं प्लांट में वो भी ख़त्म हो जाते हैं हल्दी अगर आप डालते हैं। हल्दी हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से बढ़ाती है, तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं फ्रेंड। लेकिन अभी गर्मियों में बहुत कुछ ना डालिए, ज़्यादा कुछ नहीं डालना, बस जो भी देना है ठंडा ही ठंडा देना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है तो इसको आपको थोड़ी सी लेकर के चाय पत्ती गुड़ाई करके डालना है फ्रेंड। प्लांट के बता रही हूँ कहाँ पे डालना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे प्लांट है और आप यहीं पे डाल दें, नहीं फ्रेंड ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं। इधर इधर साइड ऐसे गुड़ाई करके मेरी, तो यहाँ पे कोई मिट्टी सॉफ्ट है तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इसको गुड़ाई किया इधर साइड, यहाँ पर ये मिट्टी में हमें डालना है ना कि प्लांट में डालना है, क्योंकि मिट्टी में जैसे ही जाएगा तो मिट्टी में एलर्जी जाएगी तभी हमारे प्लांट में जाएगी। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ साइड डालना है जाके, ना कि यहाँ प्लांट के पास डाल। तो लेनी हमें इतनी है फ्रेंड, मैंने देखी कितना लिया है, आधे चम्मच से भी कम है, थोड़ा सी लिया है। और बस देखिए चार दाने जैसे ऐसे 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 करके साइड साइड से आपको सभी तरफ से डाल देना है चारों तरफ, और बस मिट्टी में ढक देना है। बस जब आप पानी डालोगे तो ये इसकी शक्ति जो चाय की पत्ती की होगी वो मिट्टी में जाएगी, मिट्टी से हमारे प्लांट में जाएगी, फिर प्लांट हमारा फ्लावर देने के लिए रेडी हो जाएगा, ग्रोथ करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड हमें ये बातों को भी सेध दें, कोई भी फर्टिलाइज़र दे तो हमें मिट्टी में देना, ना कि प्लांट में देना कि यहीं जस्ट हमें अपने जहाँ पे प्लांट लगाया उसी में जस्ट डाल दे, नहीं हमें उसके अगल बगल ही देना। जब भी हम DAP जो भी यूरिया आप लोग खाद डालते हैं फ्रेंड, बहुत सारे वीडियो में आते हैं खाद डालो, तो मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप वीडियो देख करके खाद प्लांट में डालते हैं तो ना कि आप यहाँ पे डालेंगे फ्रेंड, यहाँ पे नहीं डालना, आप लोगों को साइड साइड देना। तो आप लोगों को बताइए मेरी आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, सच में बता रही हूँ अगर फ्लावर नहीं हो रहा है ना ज़्यादा तो आप लोग थोड़ी सी लेकर के आप चारों तरफ से डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। हमारे घर में रखी ही होती है, किचन से ही है, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने हैं। बस आप लोगों अगर नहीं है तो 5 रुपए का पैकेट मिलता है छोटा सा, आप ले लीजिए बस डाल दीजिए फ्रेंड, इससे हमारा प्लांट सही रहेगा। अब देखिए आप ही अंदाज़ा लगा दीजिए कितना छोटा है, और लगा कि इसमें एकदम टूटे हुए पॉट में भी लगा, देख सकते हैं आप। मैंने कोई अच्छा सुंदर से पॉट नहीं देती हूँ अपने प्लांटों को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा महंगा इनके लिए पॉट खरीद के लाती हूँ तभी मैं प्लांट लगाती हूँ, मुझे जो भी मिल जाता है उसी में लगा लेती हूँ ऑलरेडी, और उसी में मेरे प्लांट ग्रोथ करने लगते फ्रेंड ना, मैं बहुत ज़्यादा महंगा प्लांट के लिए पैसे नहीं खर्चा करती। तो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये टिप्स आप लोग ज़रूर फॉलो करिए, ये टिप्स बहुत कारगर है। और हाँ अभी गर्मियों जैसे प्याज के बता रहे हैं, प्याज के छिलके को जूस डालिए, ये डाली फर्टिलाइजर डाली, गर्मियों में ज़्यादा प्याज का भी नहीं डालना, क्योंकि अगर हाँ प्याज को डालना है तो शाम के टाइम फ्रेंड डालिए प्याज का फर्टिलाइजर अगर आप डालें, दोपहर में दिन में तो कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि वो भी गर्म होता है, और जैसे गर्म गर्म ठंड तो करता करते प्याज, लेकिन प्लांटों के लिए उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हवा लू चल रही है ना, तो इसलिए हमें जो भी देना है सोच समझ के देना है अपने प्लांटों को, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा कुछ दे दें हमारे प्लांटों को नुकसान कर जाए, ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड। और मार्केट का जो भी मिलते हैं केमिकल से बने रहे थे ये सारे, तो वो भी बिल्कुल नहीं देना, ज़्यादा नहीं देना फ्रेंड, हमें जो भी देना है सोच समझ के देना। तो आप लोग बताइए कैसे लगे, अभी एक मेरा प्लांट और है मैं आप लोगों को वो भी ला रही हूँ और दिखा दे रही हूँ।
तो एक मेरे यहाँ पे लाकर देख सकते हैं, मैं दिखा दे रही हूँ, एक मेरे यह है, इसको मैंने बाल्टी में लगाया था और देखिए ये भी ग्रोथ कर रहा है। एक बार इसकी फ्लावर हो चुकी है, इसके बाद दोबारा ग्रोथ और दोबारा फ्लावर, देखिए बड्स लगे हैं दोबारा के लिए, मतलब जैसे बड्स लगते हैं फिर एक बार पूरा खिल जाता है, फिर बड्स दोबारा लगाता है फिर खिलता है, इस तरह करता है मोगरा, तो देख सकते हैं। और राइट 12 बजे खिलता है और इसको खुशबू तो पूछिए ना आप। देखिए ये भी मेरा ज़्यादा महंगा ही नहीं था, मैं जो भी प्लांट लाती हूँ उनको थोड़े सस्ते, और फिर घर में बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे, मुझे इनके केयर करना ना बड़ी अच्छी लगती है। तो कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, बाय बाय।